फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। बोल रिचा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वो दाल बनाने वाली हूँ जिससे मसल्स भी बनते हैं और युवाओं के लिए ये दाल बहुत अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। आज मैं तड़के वाली चने की दाल का तड़का बनाने वाली हूँ। ये देखिए, हमारे चने की दाल है, 200 ग्राम हमारे चने की दाल है। ये हरी मिर्च है, ये जिंजर गार्लिक है, ये टमाटर है और अनियन है, ये हींग है और इसमें कुछ मसाले हैं जो पाउडर है, हल्दी पाउडर है, आमचूर पाउडर है, ये जीरा है। ये सारे मसाले डालती हूँ। ये देखिए, कुकर में हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जीरा डालूँगी। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। जीरा के बाद मैं इसमें हींग से पचने में आसानी होता है कोई भी चीज़, और ये जल्दी ही पच जाता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ अदरक लहसुन डालूँगी। फिर मैं अदरक लहसुन कटा हुआ डाल रही हूँ और हरी मिर्च डाल रही हूँ। प्याज कटा हुआ डाल रही हूँ। ऐसे ही कर रही हूँ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डाल सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए, नमक डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालें आप इसमें, नमक मिक्स कर दें। अब ये देखिए, हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। देखिए, टमाटर भी डाल दिया है। टमाटर भी डाल दिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक टमाटर को भी भून लीजिए। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाए उसके बाद मैं इसमें दाल डालूंगी और मसाले डालूंगी। ये हमारा टमाटर भी अब मेल्ट हो रहा है, हो गया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रही हूँ और मिक्स करते हैं। 3 मिनट के लिए मसाला को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। हमारा मसाला फ्राई हो गया है, ये मसाला पूरी तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं चने की दाल डालूंगी। ये देखिए, हमारी चने की दाल है, मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो पहले दाल को उबाल के उसके बाद तड़का लगा सकते हैं। मैं इसी तरह पहले ही तड़का लगा देती हूँ और साथ के साथ उबल भी जाते हैं और बन भी जाते हैं, जैसे सॉर्ट में बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और मैं इसमें पानी डालूँगी, 4 कप पानी डालूँगी। 4 कप के हिसाब से आप इसमें दाल भी थोड़ी सी ऊपर पानी डालिए, ताकि दाल हमारा जले नहीं, अच्छे से पक जाए। और इसे 3 से 4 सीटी में, 4 सीटी ऑलमोस्ट लगा के इसको गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ। अब मैं इसे कुकर का ढक्कन बंद करती हूँ और 4 सीटी मैं इसमें लगा देती हूँ। और फिर 4 सीटी लगाने के बाद मिलते हैं आपसे। अब ये हमारा चने की दाल बन के तैयार है। ये देखिए, दाल हमारा कितना प्यारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको गार्निश करेंगे। इसको प्लेट में प्लेटिंग करने के लिए इस प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, दाल कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। वाओ, इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए हम यहाँ ये थोड़ा सा मिर्च, हरी और लाल मिर्च डालेंगे। ये देखिए, हरी और लाल मिर्च है। और ये टमाटर है,
देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब अनियन के कुछ रिंग्स डालेंगे, देखिए बीच में भी ये डालेंगे थोड़ा सा हरी और लाल मिर्च के बीच। और ये हमारा दाल, चने की दाल का तड़का बनके रेडी है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा रिंग्स कितने प्यारा लग रहा है सजा हुआ, ये देखिए।